सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों आपका सपना बहुत बड़ा है, सपना है कि आप एमएलए बनना चाहते हैं, एमपी बनना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री के पद तक जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनने का भी बहुत से लोगों का सपना है। सपने पूरे होते हैं, सपने सच होते हैं, लेकिन सपनों के लिए काम हम लोग कितना करते हैं, स्टेप उठाइए। पहला स्टेप मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको मंच पर बोलना सीखना ही होगा। पहला कदम आपका ये है, क्योंकि शब्द इंसान की जिंदगी बदलते हैं। जब आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को एक लीडर के रूप में देखेंगे, अकेले में इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से पब्लिक के सामने बोल रहे हो, मैं ये कहता हूं कि आपका सपना आपको स्वतः दिखाई देने लग जाएगा और आप स्वयं को देखेंगे एक लीडर के रूप में आईने में। वो लीडर जो आईने में दिखाई दे रहा है, एक दिन वो लीडर आपको बड़ी मंच पर दिखाई देने लगेगा और अपने आप को आप एक लीडर के रूप में देखेंगे। उसके लिए आज से तैयारी करनी शुरू कीजिए दोस्तों। छोटी छोटी उपलब्धियां, आपके छोटे छोटे प्रयास एक दिन आपको बहुत बड़ा बना देंगे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। लोग ये कहते हैं कि एक सैनिक की, एक टीचर की इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, वो देश की सेवा करते हैं, वो एक समाज का निर्माण करते हैं। शिक्षक है कि इंजीनियर हम लोगों के लिए बड़े बड़े पुलों का निर्माण करता है, इस तरह का टेक्निकल काम करते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक लीडर की मेहनत देखिए, एक लीडर बनना आसान नहीं होता, एक बड़े पद तक जाना कितनी तपस्या की होती है, छोटी छोटी चीजों पे उन्होंने काम किया होता है, तब जाकर वो एक लीडर बनते हैं। आप भी ऐसी तैयारी कीजिए। अपने शब्दों को आप खुद सुन के देखिए। आप कहते हो कि मेरा कोई भाषण नहीं सुनता, मुझे बोलना नहीं आता, मैं मंच पर डर जाता हूं, मैं कांप जाता हूं, लोग मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते। मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, आप अपने आप का भाषण सुने, अपने आप के भाषण पर ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने भाषण को रिकॉर्ड करके सुनना शुरू कीजिए। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरा भाषण एक लीडर के जैसा है और वो भाषण आपको अच्छा लगने लगे, मैं ये कहूंगा कि उस दिन आप एक लीडर बनना शुरू हो जाते हैं। उस दिन आप देख लेना एक लीडर का सपना आपका पूरा होगा। कि इस दौरे सियासत में इतना सा फंसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी बनाना है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग विपक्ष के लिए हम लोग करते हैं, तो वहां पर मैं कहता हूं कि जनता तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन तैयारी तैयारी तैयारी, आपको इस बात का पता होगा कि जब एक फिल्म बनती है, उस फिल्म का जो अभिनय करने वाला अभिनेता होता है, एक एक डायलॉग को हजारों बार बोलता है, तब जाकर वो डायलॉग बनता है कि असूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इसका लहजा, आवाज का संतुलन, उसकी हर चीज को सटीक बिठाने के लिए उसको एक एक हजार बार एक डायलॉग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर वो इतने पैसे लेता है। मैं एक बात कहूंगा कि हम लोग 10 मिनट का भाषण भी एक बार भी तैयार नहीं करते और लाखों लोगों में बोलने का सपना देखते हैं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आज ही से, अभी से तैयारी करना शुरू करें, अपने आप को मंच पर लेकर जाइए। और मंच कहां पर है? आपका पहला मंच आपके कमरे में, आईने के सामने आपका मंच है। मैं बार बार ये बात कहता रहूंगा, जब तक आप इस चीज को नहीं करेंगे, मैं कहता रहूंगा कि आईने के सामने, अपने आप के सामने बोलना शुरू कीजिए, ये आपको अच्छा वक्ता बनाएगी। राजनीति में ये करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, ड्रेस पहनने ऐसी होनी चाहिए, माइक के सामने ऐसा खड़ा होना है, ये बहुत छोटी बातें हैं, बाद की बातें हैं, ये छोटी बातें नहीं कहूंगा, बाद की बातें हैं, ये अपने आप आ जाएंगी। सबसे पहले आपको अच्छा बोलना सीखना होगा, बेहतर बोलना, भावनाओं से बोलना आपके शारीरिक हाव भाव आपकी हर चीज को सुंदर बना देगा। बने रहिए दोस्तों स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको किसी भी स्टेट का कोई चुनाव लड़ना है, सरपंच का चुनाव लड़ना है, उसके लिए बेहतर वाक कला, मैं केवल वाक कला के लिए, भाषण कला के लिए कहूंगा, और कुछ नहीं सिखाता मैं, केवल बोलना सिखाता हूं। कोई स्क्रिप्ट चाहिए, कोर्स करना हो आपने, तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।